से दोबारा मैं निकल गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो यह है कि अभी सबसे पहले सबको नए साल की मुबारकबाद हो। नया साल शुरू हो चुका है 2024 का, और बहुत सब सबके लिए उम्मीदों के साथ और वही नई खुशियों के साथ, क्योंकि इस वक्त हम ओन पैसिव की उस स्टेज पे हैं। जो लोग अपडेटेड हैं वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि हम इस वक्त किस स्टेज पर खड़े हैं। जो अपडेट नहीं रहेंगे, या कभी सुन ली अपडेट, कभी 2 महीने के बाद सुन ली, या वो उनके लिए ऐसे ही है कि अभी तक कंपनी लॉन्च नहीं हुई, उनके लिए वो मेरे हिसाब से जीरो पर रहेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादातर लोग वो कंप्लेंट करते हैं, या तो वो आउटसाइडर होते हैं जो सिर्फ ये देख रहे, तो जो सिर्फ सन गिन रहे होते हैं 2018 में कंपनी बनी, अब 2024 आ गया, या वो जो कहते हैं लेट हो गया, और वो बैक ऑफिस की समरी नहीं देखते, सिर्फ कुछ ऐसे यूट्यूबर उन्होंने सेलेक्ट किए होते हैं जो कि उनको इन्फॉर्मेशन सही शेयर नहीं करते, या एग्जेजरेट करके शेयर करते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसे देखा है कि न्यूज़ आती है और उसमें आधी सच होती है, आधी बढ़ा चढ़ा के, या आधी का अपना मतलब खुद से निकाला होता है। ठीक है, तो जब वो चीज़ नहीं होती तो देन क्या होता है कि मायूसी होती है, और ये होता है कि परेशानी होती है कि एक कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। अच्छा, आज मैं इस बारे में भी बात करूंगा। कंपनी के बारे में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, कंपनी के जर्नी के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन ये कि कंपनी का ये जो इस पर सिचुएशन है, कंपनी डिले क्यों करती है, और ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों कि अभी तक हम ओ कनेक्ट को सही तरह प्रॉपरली भी लॉन्च नहीं कर सके। बट खुशी की बात यह है कि अब फरवरी में ओ कनेक्ट का कमर्शियली लॉन्च होने जा रहा है, और इससे हमें एक बात तो ये समझ में आती है कि ओ कनेक्ट जो ये था कि जो उससे पहले हमने जो कंप्लेंट्स हमें फेस करनी पड़ रही थी वो इस वजह से ये थी कि वो कमर्शियली वर्जन नहीं था। अच्छा, होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि कंपनी 90% बातें तो छुपाती है, 10% हमें बताती है, 10% में से वो भी हिंट देती है, और उसमें से हम सिर्फ उसका इतनी बातें भी बताने का मकसद ये होता है कि लोगों को ज़रा सेटिस्फेक्शन मिले, वो बिल्कुल सही हाथों में है और जो कंपनी उनके लिए कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, उनका डिसीजन सही था जो उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की। मोस्टली फाउंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन उन्होंने जिस वजह से ज्वाइन किया, जो इन्फॉर्मेशन उनको दी गई वो बिल्कुल कुछ और थी, जिसकी वजह से वो उन्हें उनके लिए ऐसे ही है कि उनके साथ ये सही नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बात करूंगा जो कि हमारी मेजोरिटी है, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, जिनको आईटी का नहीं पता, क्योंकि हम जितने भी मीटिंग्स में हम जब जाते हैं हम देखते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि हम आईटी से मुतल्लिक बातें करते हैं कि ये चीज़ हो रही है, ओ कनेक्ट आ गया, इसके फीचर ये हैं। तो उसमें से ये होता है कि जो मेजोरिटी जो ज़्यादातर लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उन्होंने ज्वाइन इसलिए किया कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को दूर कर सकें, अपने क्राइसिस जो है, जो माली हालात है, उनको दूर कर सकें, और उनके उनके हाथ में अच्छी रकम आए और वो अपनी हालत भी ठीक करें और दूसरों की भी ठीक करें। तो वो जब ये बातें सुनते हैं, मैक्सिमम बातें, तो उनको बातें समझ नहीं आती है। लेकिन उन लोगों के लिए ये है, उनके लोगों के लिए अपडेट सिर्फ इतनी है, जो लोग आप लोग जो इस चीज़ को नहीं समझते कि आपने एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन किया है जहाँ पर जो कि कंप्यूटर की कंपनी है, और उसके जितने भी काम हैं रोबोट्स करते हैं। ये एक आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, आप जब इकोसिस्टम में रजिस्टर होकर आते हैं, आपको फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करनी, ना करें, लेकिन आप अपना इकोसिस्टम लॉगिन करें, आप की इंगेजमेंट शो होगी कि आप अपना आईडी खोल कर देखते हैं, और इंगेजमेंट रिवार्ड्स भी मिलेंगे आपको। आपने उसके बाद ये करना है, सिर्फ कंपनी को फॉलो करना है। जैसे कंपनी की फर्स्ट प्रोडक्ट आई, उसे बाय कर लिया, फिर उसके बाद कंपनी आपको कमीशन वगैरह दे रही है, जो भी दे रही है उसको चेक किया, अपने बैंक में ट्रांसफ़र किया। फिर उसके अलावा कुछ कंपनी की इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जैसे कि अभी ये एग्रीमेंट भी आया, एफिलिएट एग्रीमेंट आया, उसको क्लिक किया और कंप्लीट किया। तो जब तक आप इकोसिस्टम ऑन नहीं करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये चीज़ें आसान इसलिए भी हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग जो पढ़े लिखे नहीं वो फेसबुक यूज़ करते हैं, जो अपने मतलब की चीज़ें अभी यूट्यूब देख लेते हैं, तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है।
आप अपने लिए ये कर सकते हैं। आपने ये करना है, जस्ट आप फाउंडर बन चुके हैं, इकोसिस्टम को रेगुलर बेस पे आप लॉगिन करके देखें उसमें क्या चेंजिंग आई, जो आपको समझ आती है देखें, नहीं समझ आती तो नहीं समझ आती उसको समझने की कोशिश करें। हम जैसे होता है कि स्कूल में कुछ ऐसे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल्स में नहीं गए ज़्यादातर के उनको पसंद नहीं था या किसी रीज़न की वजह से नहीं जा सके, ऐसे लोगों का ज़्यादातर ख्याल है कि हमसे पढ़ाई नहीं होती, स्टडी नहीं होती। लेकिन अब वो इस स्टेज में जब वो बड़े हो गए हैं, जिनकी शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, उन्हें अब तालीम की अहमियत का पता चला है। बट अभी भी वक्त नहीं गुजरा, आप अभी भी ये कर सकते हैं कि आप अपनी अंग्रेज़ी ठीक करें, कंप्यूटर को इतना समझने की कोशिश करें कि आप इस आईडी को खोल के देख सकें और समझ सकें, ठीक है। जिस तरह एक डॉक्टर होता है, वो दवाई कड़वी होती है लेकिन पसंद नहीं होती, लेकिन उसे उसको वो इसलिए पीते हैं कि इससे हमें फ़ायदा होगा, तो ऐसे समझ के आप सीख लें, ठीक है ना। तो आप जब आप देखें कि कहीं ऐसे लोग जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन किसी कंपनी में जब ज्वाइन करते हैं वहाँ का काम सीख कर एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो जो ये भी तालीम होती है कि जो हम जो इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे होते, हम तालीम सिर्फ उसको समझ रहे हैं जो हमें स्कूल कॉलेज की तरफ से दी जाती है। तो हम इन चीज़ों को भी समझें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और इसको जो चीज़ नहीं समझ आती है उसको बार बार पूछें। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, तो एमए सियासियात किया है, और इस वक्त मुझे आईटी की काफ़ी हौन हुआ है। तो अब यह है कि इतना मेरी फील्ड तो क्वाइटली डिफरेंट है, इसकी वजह यह थी कि मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया, मुझे इंटरेस्ट था आईटी का, तो मेरी फील्ड नहीं थी आईटी की, लेकिन मैंने एक कोर्स करने की कोशिश की, एक साल का कोर्स था कंप्यूटर का, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई क्योंकि हमारे जो अदारे होते हैं वो वैसे वो नहीं समझा सकते, वो सिर्फ एक रट्टा रट्टा वाली जो होती है बुक्स होती हैं, उनका एग्ज़ाम देना होता है, आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिल जाता है, लेकिन जो अंडरस्टैंड करने वाली बात होती है वो हम नहीं समझ पाते। तो मैंने उसके बाद ये किया, फिर मुझे लोगों से पूछना शुरू किया, तो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक चीज़ है आईटी की अगर मुझे नहीं पता तो मैंने लोगों से पूछा, और एक बात दस मुख्तलिफ लोगों से पूछी, और उन सबसे ऐसे ही पूछा जैसे फर्स्ट टाइम मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि समटाइम ये होता है कि अगर मैं पहले शख्स से ये पूछ रहा हूँ तो उसके पास हो सकता है एक दो मालूम ना हो, मिसिंग हो, तो वही बात मैंने दूसरे से पूछी, तीसरे से पूछी, जब मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं तो हमारे पास एक नॉलेज आ जाता है, उनसे बेहतर नॉलेज आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह मैं नॉलेज लेता गया। अब मैंने यूट्यूब में क्रिप्टो करेंसी के भी कोर्सेज बनाए, ब्लॉकचेन पे कोर्सेज बनाए, अगर देखा जाए तो क्वाइटली डिफरेंट फील्ड है। मैं लोगों को गाइड करता था कि आप ये फील्ड चूज़ करें, तो ये ऑन पैसे ज्वाइन करने से पहले मैं डाटा साइंस पढ़ रहा था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टडी कर रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर ऑन पैसे को ज्वाइन किया। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर मुझ जैसा शख्स जो कि आईटी का बंदा नहीं है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है, उनको सीखने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप लोग भी करें, ठीक है। और सीखने की बात है, मैं तो एक बच्चे से भी सीखता हूँ, अगर कोई मुझे बात अगर किसी से अगर कोई बच्चा मुझे सिखा रहा है तो मेरे लिए वो भी उस्ताद है, जिसने एक लफ्ज़ भी सिखा दिया उस्ताद है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हमें पहली बात तो सीखना चाहिए, दूसरी बात है इल्म को बांटना चाहिए, आपके पास जितना नॉलेज है उसको दूसरों को दें, बांटने से हमेशा मैं कहता हूँ बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। तो सोच को पॉजिटिव रखें, यानी जो ये पहला स्टेप है आपके कामयाबी का, आप जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे आपके सिलसिले आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम बिजनेस को भी छोड़ दें, अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें, हमने रिश्तों की बात करें, रिश्तेदारों के कज़न चचा ताया घर वाली फैमिली बहन भाई, आप उनकी अगर नेगेटिव बातों को जो वो अगर इग्नोर करना सीख जाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। झगड़ा होता ही तब है किसी ने आपको गलत बात की, आपने उससे ज़्यादा गलत बात की, तो जब दोनों ने बात कर ली तो फिर ये कोई नहीं, ये बात पीछे रह जाती है किसने स्टार्ट किए, कौन पहले था कौन बाद में, तो ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है। फिर आप लोगों का दिलों में हसद रखना दूसरे के लिए,
दूसरों के बारे में गलत सोचना बंद कर दें, अपने बारे में सोचें कि आप के कामयाब कितना होना है, दूसरों पे खुश हों, अपने इल्म को बांटें। आपका आज तक मुझे नहीं ऐसा हुआ कि मैंने अपने इल्म को, जितना मुझे नॉलेज है तो मैं पूरा 100% देता हूँ, तो मुझे नहीं ऐसा हुआ कि मेरा कभी कमी हुई हो। रिजक कहाँ से आता है मुझे नहीं पता चलता, अल्लाह ताला ने दिया। तो लोग अक्सर ये भी कहते थे कि भाई आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों बताते हो। मैं सदका जारिया समझ के बताता हूँ कि आप एक ना खत्म होने वाला स्वभाव का सिलसिला कि आप लोगों में बांटे। तो ये तो चलो पर्सनल बात होगी, अब कंपनी की तरफ से आ जाते हैं। कंपनी ने 2018 में स्टार्ट किया, ऑन पैसिव ने स्टार्ट में 2018 से लेकर अब तक का जो सफर है, कंपनी ने आपको ग्रेजुअली अपग्रेड किया। यानी पहले अगर डेट ऑन डिजिटल मार्केटिंग टूल वे बेचते थे, यानी एक प्रोडक्ट छोटी सी बेचते थे, तो उसके बाद उन्होंने डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ आ गए। यानी पहले अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम सेल करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिस तरह हम फिजिकल चीज़ें बेचते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, इस तरह डिजिटल चीज़ें वो होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते लेकिन वैल्यूएबल होती हैं, जो सॉफ्टवेयर आपको पता है बिकते हैं। तो शुरू में जो डिजिटल मार्केटिंग टूल कंपनी ने बेचने के लिए डिसाइड किया, और वो भी दूसरों के थ्रू, यानी किसी से मार्केटिंग, किसी से बनवाएंगे और हम मार्केटिंग करेंगे। बट ऐसा ऐसा उन्होंने सोच को डेवलप किया कि हम खुद बनाते हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम डिजिटल प्रोडक्ट्स, तमाम इंटरनेट की तमाम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, फिर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया, फिर उन्होंने कहा कि हम फिजिकल प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे, फिर उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम डेटा सेंटर भी हमारा अपना होगा, फिर उन्होंने डोमेन की बात की। यानी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी सोच को वसी किया, और ये सब कुछ हो किस तरह गया, एक छोटे लेवल से, क्योंकि सोच बड़ी थी। नॉर्मली आपको पता है जब कोई कंपनी कोई स्टार्टअप लेती है तो वो फाउंडर्स के लिए कहती है फाउंडर की प्राइस एटलीस्ट $10,000 होनी चाहिए कम से कम, और फाउंडर कम से कम हो, वो फाउंडर को कम से कम देना चाहती है और फाउंडरशिप की प्राइस भी ज़्यादा रखती है। तो हम अगर $10,000 से मुराद है कि कितनी बड़ी अमाउंट बन जाती है अगर हमारे पास हो पर्सनली, हम कभी भी उसको सेल ना, यानी किसी को ना दें, हम रिस्क ना लें, हम सोचेंगे इससे हम कोई गोल्ड ले लेते हैं या प्लॉट ले लेते हैं या कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, हम ऐसे शख्स को क्यों दें जिसका हमें पता ही नहीं है ऑनलाइन काम कर रहे। लेकिन इंटरनेट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाखों डॉलर डेली कमाते हैं, वो ऐसी जगहों पे रिस्क लेते हैं, अगर कंपनी डूब गई तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, अपने प्रॉफिट में से उन्होंने थोड़ा सा पार्ट दिया। अगर कंपनी चल गई तो अमीर आदमी और अमीर हो गया। यानी पुराने बिजनेस मॉडल सिर्फ अमीरों के लिए थे, गरीबों के लिए नहीं थे। गरीब उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता था, जो वो कंपनियां स्टार्ट हो जाती थी फिर वो गरीब आदमी को पकड़ते थे, आप पैकेज बाय करें और नेटवर्किंग भी करें, काम भी करें, तो और बाद में उसको मामूली सा एक हिस्सा देते थे, और वो भी बाद में जाके कंपनियां भाग जाती थी। तो ऐश मुखर्जी सर ने जो पहले सीईओ हैं, उन्होंने ह्यूमैनिटी की बात की, दूसरों को बांटने की बात की, उन्होंने कहा मैं इस कंपनी के जरिए अमीर और गरीब का फर्क खत्म करूंगा, इसलिए उन्होंने फाउंडरशिप की प्राइस $97 रखी। अच्छा, $97 रखी, उन्होंने कहा ये जो $97 रखी जा रही है, जब ये रखी थी उस वक्त सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग टूल बेचने की बात हो रही थी, यानी अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर समुंदर कहें तो डिजिटल मार्केटिंग टूल एक बाल्टी पानी, यानी इसको इतना सा छोटा सा पार्ट, उसके लिए $97 उन्होंने रिकमेंड किए थे। अब अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं तो $97 को इंक्रीज होना चाहिए। नॉर्मली होता है कि आप किसी आईटी कंपनी को ज्वाइन करें तो आप पे कर देते हैं, जब उसमें कोई सिस्टम में कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे भी बढ़ा देते हैं और आपको देने पड़ते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं होती। लेकिन कंपनी ने हमारे पैसे देने के बावजूद भी हमें हमेशा सपोर्ट किया, जैसे $97 हमें वापस किए कि हमें सिर्फ बेनिफिट देने के लिए ये फाउंडर ने इतना सपोर्ट किया, और इस तरह के बोनसेस हमें आगे भी मिलते रहेंगे। कंपनी ने ये भी कहा था कि ये जो $97 है ये सिर्फ फाउंडर हमें हमारा साथ दें कंपनी का, यानी स्टार्टअप लेने में, और उनको हम बेनिफिट देंगे, वो हम इसकी बीटा टेस्टिंग में भी काम आएंगे, और ये जितने भी फाउंडर्स होंगे और उनको एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, बोनसेस भी दिए जाएंगे। अब जब कंपनी लॉन्च होती है तो स्टार्ट में उन्होंने जो पैकेज बताए थे वो $25, $125 इस तरह के थे, और जब ये पैकेजेस अनाउंस हुए थे उस वक्त क्या हुआ, इन पैकेजेस को ख़त्म कर दिया गया।
कैंसिल कर दिया गया। इसकी रीजन ये थी, पहली बात तो ये, इसमें एक एमएलएम टच आ रहा था। हमारे कंपनी ने एक अच्छा काम ये भी किया था, इन्होंने एक थर्ड पार्टी को हायर किया, थर्ड आई जिसको कहा जाता है, कि हमारी कंपनी में नजर रखो कहाँ गलत हो रहा है। हम अगर अपनी गलती में कोई गलती अपने अपनी गलती कंपनी से अगर कोई गलती ढूंढे तो सबको अच्छा अच्छा नजर आएगा, लेकिन जो आउटसाइडर होता है वो आपको 100% सही डायरेक्शन देगा, सही गाइड करेगा। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया कि ये वो पैकेजेस खत्म कर दिए। उसकी रीजन ये थी, जैसे ही पैकेजेस के बारे में बताया, बहुत सारी कंपनियों ने उस मॉडल को, उस पैकेज वाले मॉडल को कॉपी कर लिया। देन उन्होंने कहा इसकी मजीद सिक्योरिटी की बात की, कि हम मजीद सिक्योरिटी इसको बढ़ाते हैं, इसको चीज़ों को इनहेंस किया। वक्त के साथ जब उन्होंने देखा कि लोगों ये फलां कंपनी ने के साथ ये हो गया, उनकी उनका सारा डाटा उड़ गया और हैकर ने ये कर लिया, तो वक्त के साथ साथ उन्होंने सीखा भी, चीज़ों को अपग्रेड भी किया। फिर ये था कि जब ओपनर की बात आई तो उन्होंने डेटा सेंटर का सोचा। डेटा सेंटर से मुराद ये था कि जब हम जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अगर हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो होता ही है कि फेसबुक यूज़ करते हैं तो उसका जितना भी, अगर हम लॉग आउट भी करते हैं तो पीछे डेटा अपग्रेड हुआ होता है, बीच में चीज़ें अपलोड होती हैं, तो इट्स मीन कि वो कहीं ना कहीं क्लाउड में वो डाटा सेव होता है, लेकिन एक्चुअली वो क्लाउड में नहीं होता, उसके लिए एक फिजिकल जगह रिक्वायर होती है, जिसको डेटा सेंटर कहा जाता है। अगर आप गूगल और फेसबुक की बात करें, उनके उनके डेटा सेंटर अमेरिका में लाखों एकड़ ज़मीन में फैले हुए हैं। अगर आप गूगल में सर्च करें डेटा सेंटर, आपको मशीनरीज नज़र आएंगी, ये सब कुछ वहाँ सेव होता है, यानी इसके लिए एक मशीनरीज रिक्वायर होती है। असल में ये डेटा सेंटर का ये मकसद ये होता है कि आपका डाटा सेफ रहे। ठीक है, उसकी रेप्लिका बनते हैं, यानी उसकी कॉपियां बना दी जाती है मुख्तलिफ जगहों पे, ताकि अगर आपका डाटा उड़ जाए तो उसको दोबारा रिट्रीव किया जा सके। तो ये पर्पज़ सिर्फ ये होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां तो डेटा सेंटर बना देती हैं, लेकिन छोटी कंपनियां क्या करती हैं, उनसे रेंट पे ले लेती हैं। भाई हम ये कंपनी बना रहे हैं छोटे लेवल की, हमारे पास इतनी पसली नहीं है कि हम डेटा सेंटर बनाएं, हमें ये डेटा हम पे करेंगे आपको मंथली या जो भी क्वार्टरली या एनुअली, आप इसको इतनी स्पेस हमें दे दें, हम इसमें अपना डाटा रखना चाहते हैं। फिर वो डाटा उनके अपने जो कस्टमर होते हैं उनसे वो खर्चा लेते हैं, यानी वो उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, कस्टमर्स को वो पे करते हैं। ठीक है, और लेकिन इसमें एक नुकसान ये भी होता है, प्राइवेसी नहीं रहती। हमारा अपना डाटा सेंटर है, इसमें कि हमारी एक तो अपनी प्राइवेसी रहेगी, सेकेंडली ये दूसरी कंपनियों से चीपेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर कोई एक कंपनी $1,00,000 चार्ज कर रही है तो हम $20,000 चार्ज कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसकी। कोई तो जितने भी ब्रांड होंगे वो जब ये देखेंगे कि इतने सस्ते पैकेजेस हैं, वो हमारी तरफ आएंगे, हमारे साथ टाई अप होंगे, और यानी जितने भी सुन रहे ना कि हमारे साथ कहेंगे ब्रांड मिल रहे हैं, गवर्नमेंट्स आ रही हैं। इसकी रीज़न ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं डिसरप्टिव है, यानी अपडेटेड है और लेटेस्ट है और सस्ती भी है। हर कोई ये कोशिश करता है उसको सस्ती प्रोडक्ट मिले। तो एक चीज तो हमारा जो अपना डाटा सेंटर, तो कंपनी ने फिर ये किया कि सितंबर में, अप्रैल में ओपनर जो फर्स्ट पेड प्रोडक्ट है उसको डेमो वर्जन स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस वक्त अगर आपने देखा हो, अगर उससे भी पहले चले जाएं, हमारा अगर कंपनी देखा जाए, कंपनी नवंबर 2022 में सही उसका काम स्टार्ट हुआ, जब वो इकोसिस्टम लॉन्च हुआ। अब इकोसिस्टम के बाद देखेंगे, आप देखा जब अगर तब का इकोसिस्टम देखें, अब तक आपका देखें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो चीज़ों को अपडेट होने में आईटी सेक्टर में ऐसे ही टाइम लगता है, एकदम कभी भी कोई चीज़ नहीं होती। इसकी वजह ये होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो जो कि अल्फा टेस्टिंग में टेस्ट हो जाती है, यानी जो जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो जब कुछ चीज़ बनाते हैं खुद टेस्ट करते हैं, और कुछ चीज़ें जब लॉन्च होती है उसके बाद टेस्ट की जाती है जब यूजर से यूज करते हैं। तो यही वजह है कि बीच में आपने देखा कि कभी ओकोनट सही तरह काम कर रहा है, कभी डेटा ज़्यादा यूज हो रहा है, कभी ये चीज़ यूज हो रहा है। जब ये चीज़ें ड्रॉबैक सामने आते हैं तो उनको फिर ठीक किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। तो अभी जो इतना टाइम लगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जितने भी आप देख रहे हैं कि जितना भी टाइम लगा,
उसमें वो सारी रिपेयरिंग होती रही, उनको ठीक ही किया जाता रहा। अब सितंबर में आपको पता, फर्स्ट हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हुई सितंबर में। अगर एक्चुअल देखा जाए तो आई थिंक कंपनी का जो प्लान था वो जनवरी फरवरी के था, फरवरी का ही था कि इस सिस्टम को लॉन्च करने का। बट अनफॉर्चुनेटली अगस्त में क्या हुआ, कुछ हमारी जो सबका एम्प्लाइज कंपनी के जिनको फायर कर दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया, कुछ हमारे फाउंडर्स ऐसे थे जो कि नेगेटिव थे, जो नेगेटिव स्प्रेड कर रहे थे, उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। उन्होंने क्या किया, देखें जो नेगेटिव होता है वो कभी भी अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ता। उन्होंने एक ग्रुप बनाया आपस में और एक यूट्यूब चैनल भी आपने उन्होंने बनाया जिसमें एक रोबोट खुद वो सामने आए भी नहीं, रोबोट ये बाद में सब नेगेटिव न्यूज स्प्रेड होती रही। अभी भी शायद हो, वो मैंने देखा नहीं काफी अच्छे से, लेकिन ये कि उनका पर्पज सिर्फ ये था कंपनी की रेपुटेशन को खत्म, दाव पर लगाना और डाउन करना। अच्छा, ये सिर्फ उन्हीं की ख्वाहिश नहीं थी बल्कि जो जो कहते हैं कंपटीशन में जो कंपनियां हैं वो भी, उनके लिए भी एक खतरनाक बात थी। अगर ऑन पैसिव आ गई जिस तरह ये बता रहे गए ऐसा हो गया तो सब ये सब चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी, कंपनी उनकी वैल्यू क्या रहेगी। अगर जूम $6,450 का एक पैकेज दे रहा है 10,000 गारंटी का, हमने अभी $125 का दिया, आगे क्या क्या होने वाला है। जूम तो $6,450 पर मंथ पे कर रहा है, हमने तो सिर्फ एक बार पे करना है जो भी देना, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बाकी तो ऑटोमेशन में सब कुछ आगे चलेगा। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। फिर उन्हीं में से उन्होंने ये किया कि अमेरिका में एक सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल है, SEC जिसको बोला जाता है, वो क्या करती है, MLM और पूंजी स्कीम के अगेंस्ट एक्शन लेती है, लीगल एक्शन लेती है, केस वगैरह होता है। अब हमारी अगर बात की जाए कंपनी की, मैंने जैसे कि आपको बताया कंपनी की थर्ड आई थी, थर्ड आई ने तो सारे सिक्योर किया हुआ था सबको, यानी जो चीज़ें जो MLM और पूंजी स्कीम में आती थी वो ख़त्म कर दी। आपने अगर नोटिस किया हो कि पहले हमें ब्रांड एम्बेसडर भी कहा जाता था, फिर उन्होंने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा जी ये ब्रांड एम्बेसडर कहना बंद कर दें। ये थर्ड आई की इंस्ट्रक्शन होती है जो बाद में हम कंपनी कहती है अब ये चीज़ बंद कर दें, जिसको भी लोगों ने काफ़ी लोगों ने नेगेटिव लिया ये पहले तो ये खुद ही कहते रहे। असल में कंपनी खुद ये कंपनी खुद के डिसीजन नहीं होते, कंपनी हमारी बेहतरी के लिए ताकि हम पर कोई द्वारा कोई लीगैलिटी या ऐसा कुछ इशू ना हो तो वो चीज़ों को चेंज करती है और अभी भी करती रहेगी और हमारी बेहतरी के लिए। अच्छा, फिर एक दूसरी बात जो कंपनी ने की थी कि जैसे अनाउंसमेंट होती थी काम नहीं होता था, इसकी रीज़न ये थी कंपनी के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डेट बताते थे वो वही अनाउंसमेंट हो जाती थी, बट अगर ज़रा सा भी कोई कॉमे का मसला हो गया या कोई सॉफ्टवेयर में कुछ एप्लीकेशन का मसला कुछ भी हो गया तो चीज़ें डिले हो गई। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ऐश मुफारे जी ने कहा था कि जो डेवलपर हैं उनके लिए डेट मौत है, यानी अब क्या बताएं। जैसे अभी ऐश बम की अनाउंसमेंट हुई थी आपको पता, कुछ लोग ये भी कहते हैं ऐश बम क्यों नहीं आया, उन्होंने तो ये कहा था अब नवंबर में आएगा दिसंबर में आएगा। तो वो भी यही है कि अगर फॉर एग्जांपल ये सब कुछ चीज़ें प्लान हैं, स्टेप वन में ये काम होना है, स्टेप टू में दूसरा, स्टेप थ्री में ये, स्टेप फोर में ऐश बम है, अगर हम अभी तक स्टेप टू में फंसे हुए हैं तो जब तक उसकी टर्न ख़त्म नहीं होगी तब तक ऐश बम अनाउंस नहीं होगा। और ऐसा ने कहा ऐश बम रेडी है, बस वो जैसे ही मौका आएगा वो अनाउंस कर देंगे। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि हम और दूसरी सेकेंडली हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, सारा काम तो कंपनी ने हमें सर पर लिया हुआ, जिम्मेदारी अपने सर पर ली हुई है, तो हमें तो जस्ट पेशेंस के साथ वेट करना है और कंपनी को सपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम नेगेटिव हो जाएं, क्या उसका हमें कोई बेनिफिट है किसी फाउंडर को, सवाए के उसके 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 लिए नुकसानदेह होगा, अदरवाइज बेनिफिट तो नहीं होगा ना। अगर कोई जैसे बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ था कि वहाँ पे जो बैंक की तरफ से नोटिस आया था वो भी किसी फाउंडर्स की तरफ से कंप्लेंट हुई थी कि अभी तक कंप्लेंट नहीं हुई, आप लोगों को नॉलेज होता नहीं है और आप अपनी चीज़ें लोग बैंकों में जाकर ये चीज़ें हाईलाइट कर रहे होते हैं और जो कि कंपनी ने हमें बताया नहीं ना, हमारे पास नॉलेज है हम बैंक को बता सकें कि हमारी कंपनी किस पैटर्न पर कैसे करेगी। ये तो कंपनी का काम है ना, हर चीज़ अपने काम पर होगी, टाइम पर होगी। अभी आप देखें कि क्रिप्टो के जरिए पेमेंट, उसके बाद उन्होंने बैंक की तरफ से यही हो रहा है ना, अभी डिले हो रही कि हर कंट्री का हर रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है, जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं हो जाती हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें,
तो बाकी है कि अभी सितंबर में जब कंपनी ने ये $125 जब अनाउंस किए, तो उसकी तो अगर उसका कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए, जूम तो $6,450 पर मंथ पे कर रहा था, हमने तो $125 अगर अनाउंस किया। लेकिन कुछ लोगों की कंप्लेंट ये थी, भाई ये 3 महीने का पैकेज क्यों दे दिया शुरू में। तो देखिए ये चीज़ कंपनी आपसे बेहतर समझती है। जब फर्स्ट टाइम कंपनी ने आपको कहा है जो आपने जो भी पेमेंट देनी है अपने फर्स्ट टाइम एक ही बार अपने पॉकेट से देनी है, नेक्स्ट जो भी आपका कमीशन होगा उससे आप पे करते जाएंगे। तो अगर 1 महीने का पैकेज होता तो चीज़ें स्टेबल ना होती, मर्चेंट्स वगैरह के इशू अगर ना भी होते, चलो सेटल होने में टाइम लगता, तो महीना खत्म हो जाता, वो आपको अपने पॉकेट से दोबारा देने पड़ते, जो कि कंपनी नहीं चाहती थी क्योंकि कंपनी ने प्रॉमिस किया। इसलिए उन्होंने 3 महीने का पैकेज दिया ताकि तब तक हम चीज़ें सेटल हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली मर्चेंट वन आया गया, मर्चेंट टू आया गया, यानी स्टेबल नहीं हो सका, उनके पास काफ़ी कंपनी की रकम होल्ड है अभी भी। तो ये सारे मामला हो रहे हैं। अब जब नेक्स्ट मर्चेंट आए वो बिल्कुल ठीक है, उसके साथ मामला ठीक है। तो ये तो चीज़ें कंपनी फेस कर रही है ना, कि उनका नेगेटिव क्या हुआ, करप्शन किसने की। तो कंपनी ने ये अगर पैसा होल्ड किया तो पैसा देगी भी तो ना, तो हर चीज़ का एक टाइम है। कंपनी ने एक्सटेंशन किया, पहले दिसंबर का 1 महीना बढ़ा दिया, फिर जनवरी का 1 महीना बढ़ा दिया। अभी आप देखें कि अगर अभी की बात करें तो जनवरी में 10 दिन एक्सटेंड किए, जिनकी 29 जनवरी एक्सपायरी थी, 30 जनवरी पैकेज की। ये वो लोग हैं जिन्होंने सितंबर में पैकेज बाय किया था, जिनका एक एक महीना एक्सटेंड होता जा रहा था। तो इस मीन अगर वो इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना कर रहे हैं, तो इस मीन अभी कुछ आजकल में होने वाला है। ट्रैफिक की भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगी, विड्रा के लिए तो 29 आज आज से सब कुछ अपने वॉलेट चेक करना शुरू कर दें, इसके कमीशन रिसीव हो गए, तो आज से सिलसिला स्टार्ट हो गया। तो कंपनी हमारी कंपनी तो हर काम कर रही है, अपने वक्त पर कर रही है, कंपनी डिले नहीं है। हमें जिस वक्त ये 2019 में जब ये ऑटोमेशन ये AI को ऐड किया गया था और ये डिसाइड किया गया था कि डिजिटल प्रोडक्ट्स सब आएंगी, तो उस वक्त क्या था कि उस वक्त के जो IT एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा जितनी ये प्रोडक्ट्स की बात करें इनको आने में 8-9 साल लगेंगे। लेकिन कंपनी में तो 2024 में, यानी 4-5 साल में ये सब कुछ कर लिया। अगर 4 साल अगर 2019 से देखें तो 4-5 साल हम काउंट कर लेते हैं। तो कंपनी ने सारा काम जल्दी किया ड्यू टू AI, AI की वजह से सारा काम रिपीट यानी रैपिडली हुआ और बड़ी तेजी से हुआ। तो अभी अगर हम देखें, अगर शुरू से जब आपने ज्वाइन किया था, देखो ना सिर्फ कंपनी तो हमारे लिए कर रही है जो सर कर रही है, लेकिन हमारी सोच को भी बदला है। आपने कभी ऐसे बिजनेस में कभी इस तरह अपनी फैमिली वाला एनवायरनमेंट देखा, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे जानते हैं इस तरह, मैं इंडिया काफी लोगों को जानता, मैं वो मेरी लाइफ में भी आ जाते हैं, कभी रेडफन आ गए, कभी मार्टी आ गए। अभी न्यू ईयर पे मैंने इन्वाइट किया था, बड़ा अच्छा वेबिनार हुआ था, लाइव सेशन हुआ था, उसमें फर्स्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी फाउंडर्स थे। लेकिन मैंने जस्ट 1 घंटा या आधा घंटे की जो टाइम शॉर्ट टाइम में मैंने मार्टी क्रिस जॉन ब्रिला वगैरह को बुलाया था, तो वो आ गए। तो ये तो कंपनी की खूबसूरती है, यहाँ पर कोई ईगो या कोई ऐसा चक्कर नहीं है, अगर आपके पास टाइम है वो आ जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा लाइव गया, आप वो ज़रूर देखिएगा। तो ये कंपनी ने हमें एक सोच दी, पॉजिटिविटी दी, हमें हमें पेशेंस दे दी। हम इससे पहले हमें पेशेंस कहाँ थी, लेकिन यहाँ पे आकर एक तो हमें सब्र बहुत आया नंबर 1, दूसरी बात है पॉजिटिविटी आई। बहुत से लोग हमें नेगेटिव फेस हमें फेस करना पड़ा, हमें नेगेटिव, लेकिन उसकी वजह से हम में पॉजिटिविटी ज़्यादा डेवलप हुई। हमने सीखा उनसे कि कैसे पॉजिटिव होना है, कैसे चीज़ों को बर्दाश्त करना है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मैं चीज़ों को नोट करना शुरू कर दूं तो जितना मेरे साथ बुरा हुआ है, या फाउंडर की बात कर रहा हूँ इंडिया में, तो शायद मैं किसी से बात ही ना करता, यहाँ भी ना आता। लेकिन ये कि मेरी चीज़ें प्रायोरिटी नहीं है। जब आप अपने आप को मुस्बत रखेंगे, जब अपने आप को मुस्बत रखेंगे तो ये होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप परेशान होंगे, क्योंकि आपने अपनी सोच को इतना मुस्बत कर दिया। मैं कहता हूँ दो तरह के मकसद होते हैं, एक बड़ा मकसद होता है, एक छोटा छोटे छोटे मकसद होते हैं। बड़ा मकसद ये जैसे हमारा ऑन पैसिव है कि हमें इस पे कामयाब होना। छोटे छोटे मकसद ये है कि नेगेटिव छोटी 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 बातें, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरी पोस्टर पे तस्वीर नहीं लगाई, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप यकीन करें, मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उसमें व्यू भी इतने ज़्यादा नहीं आते,
बट इंडिया के बहुत सारे लीडर्स मैं जानता हूँ जो लोगों को मना करते हैं कि आपने पाकिस्तानी यूट्यूब लाइव नहीं देखना या उधर इवेंट में नहीं जाना या वेब, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। अभी ये अभी देखें कि मैंने सिंगल हैंडेड, यानी वहां पर मुझे इतनी सपोर्ट नहीं थी पाकिस्तान फाउंडर्स की, लेकिन फिजिकल इवेंट 23 अक्टूबर 2022 में किया और बहुत अच्छा गया और इंटरनेशनल सभी गेस्ट आए थे। आपने अगर देखा हो यूट्यूब में वीडियो बढ़िया। फिर अभी 14 अगस्त में रिसेंटली जो मैंने वेबिनार किया था उसमें इंटरनेशनल गेस्ट काफी आए थे और ऐश भी आए, कमाल भी आए मेरी एक रिक्वेस्ट पर। तो ऐसे से जो मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा है रेड फंड का, तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, तुम्हारा वो 3 लैंग्वेज वाला शो तो बहुत अच्छा होता है। कहने का मकसद है मेरे जहन में पहले यह था कि मेरा चैनल किसने देखना है, यानी बड़े बड़े यहाँ पे यूट्यूबर बैठे हैं, जावेद के देखें सब्सक्रिप्शन कितने हैं, गुरसमिंदर जी के, और बहुत सारे हैं। इसकी वजह कि इंडिया की सपोर्ट है, इंडिया एक बड़ा कंट्री है, लेकिन एक तो मैंने इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं किया। लेकिन अगर मेरे एक छोटे चैनल के बावजूद अगर मुझे, मैं सीईओ की नजरों में आऊंगा, इसका इसके मीन्स मैं कि क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ, पॉजिटिव होकर काम कर रहा हूँ, इट डजेंट मैटर। आप अपने आप को इश्तिहार लगाएं, मैंने कभी आज तक ये रिक्वेस्ट नहीं की मुझे पैनल में बुलाओ, इंटरनेशनल पैनल में मुझे जब भी इन्विटेशन मिली मैं गया हूँ। तो क्योंकि मैं खुद भी जरा थोड़ा सा पसंद नहीं करता हर बार मैं वहां पर बैठा रहूँ, जब कोई इंपॉर्टेंट मौका होता है मुझे इन्वाइट करते हैं और मैं जाता हूँ, मेरी बात रखता हूँ। बल्कि बहुत जल्द मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। आपको याद होगा 13 जून 2022 में ऐश ने तमाम ये सिलेक्टेड लीडर से क्वेश्चंस कहा था मुझसे पूछें, और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपके जहन में। उस वक्त मैंने क्वेश्चन पूछा था और वो सारी वो समरीज बार मेरी आदत है कि जितनी भी ऐश की समरीज हैं 2022 से ऑनवर्ड मेरे पास सेव है। तो ये एक आदत बना लें, जो भी समरी आती है उसे अपने वर्ड फाइल पे उसको सेव करके रखें, ताकि आपको पता चले कंपनी ने का सफर कैसे स्टार्ट हुआ, पहले हम कहाँ थे अब कहाँ हैं। तो ये चीजें भी आपको रखनी चाहिए। तो वो मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने लगा हूँ जिसमें उस तमाम जितने लोगों ने क्वेश्चंस किए, वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो कई 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 क्वेश्चंस के तो अब सवाल के जवाब मिले हैं उसमें से, ये 2022 की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जो चीज़ आप लोग भी आदत बना लें कि जितने भी ऐश की समरी है, जितनी भी चीज़ें होती हैं आप उनको सेव करके रखें, अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन रखें, कब कौन सा इवेंट हुआ, कब कंपनी ने क्या चीज़, जैसे जाइटेक्स हुआ या कोई कुछ भी हुआ उसकी डेट वगैरह ये लिख के नोट करके रखें, तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये हिस्ट्री है, अभी हम इस चीज़ का इतना हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम क्या किस स्टेज पर है, बट जब ये हम कामयाब हो जाएंगे, कंपनी जिस तरह गूगल को लोग जानते हैं ऐसा ऑन पैसिव को भी लोग जानेंगे, तब हमें ये चीजें हमारे लिए बड़ी एक खजाना होगी, ये चीजें, ये रिकॉर्ड है या वीडियोस या जो भी है। मैं अपने यूट्यूब चैनल को मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैंने कभी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाई, डेली न्यूज नहीं बनाता। तो इसकी वजह यह कि मैं एक तो मैं सिंगल ही सब कुछ कर रहा हूँ, लोग ये कोई बुरी बात भी नहीं, लोग यूट्यूबर जो है वो बनाते हैं, मैं लेकिन मेरा फोकस होता है इंटरव्यूज लो, लंबे लंबे सेशन होते हैं एक एक 1.5 घंटे 2-2 घंटे के, जो बेसिकली यूट्यूबर जो होता है वो पसंद नहीं करता। इसकी वजह यह कि व्यूज वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आती, बट ये मेरे लिए एसेट्स हैं। जितने भी इंटरव्यू है 100 के करीब मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, जिसमें 60 के करीब इंग्लिश इंटरव्यू है, और लोगों के भी इंटरव्यू लिए, लाइव सेशन लिए, एक्सक्लूसिव टॉक्स की, ठीक है, और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कोई यूनिक चीज़ें बीच में एक्सपेरिमेंट करता रहूँ। तो सिर्फ ये कि अपना पार्ट यहाँ पे अदा कर सको, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप लोग हैं, ये सब लोग बेस्ट कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं इसमें, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई लीडर नहीं है, हम सब फाउंडर हैं, हमें बस सभी को एक दूसरे को इसी तरह सपोर्ट करना है और आगे मूव करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू अनवर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो शुरू से लेके अभी तक जितने सारे आपने शेयरिंग दिए हैं सब बहुत ही जबरदस्त है सर। हम तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप